खरगोन जिले के भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी अंचल में आने वाले क्षेत्र हेला पड़ावा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस को भी घेरा। सीएम ने राहुल गांधी को झूठा तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि झूठ बोलकर जादूगर की तरह चुनाव में आ रही है कांग्रेस। अपनी सभा में सीएम यादव ने कहा कि झूठ बोलकर कांग्रेस वोट मांगती है। राहुल के मम्मी पापा और नाना की सरकार 60 साल तक रही है, विकास क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब पीएम मोदी की सरकार ने 10 साल में देश की दुनिया में पहचान बनाई है। ये मोदी का चुनाव है, मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। मोदी को एक बार फिर पीएम बनाना है। साथ ही सीएम ने लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं आज यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में वोट की अपील करने आया हूं। मुझे इस बात का आनंद है कि आदिवासी अंचल में अभी जिस तरह से जनता का विश्वास मोदी जी पर है और पूरा वातावरण मोदीमय बना हुआ है और अब आखिरी चरण के मध्य प्रदेश में लोकसभा के 8 सीटों के चुनाव बचे हैं। मैं 8 सीटों पर देख रहा हूं कि भाजपा को सीधे सीधे जनता जिताने वाली है।